नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। रात में अवैध बालू उठाने के चक्कर में ट्रैक्टर चालक की सड़क दुर्घटना में मौत। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर हुई दुर्घटना। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घाघरा थाना क्षेत्र से तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर सलगी मोड़ के करीब ट्रैक्टर सड़क दुर्घटना में हाड़ूप बिसापाट के रहने वाले अजीत उराव की मौत हो गई है। उनके शनाख्त उनके बड़े भाई ने की है। उन्होंने बताया कि पेरवा पाट के रहने वाले शिवनंदन उराव का ट्रैक्टर गाड़ी चलाता था उनका भाई। इधर ट्रैक्टर मालिक शिवनंदन उराव ने बताया कि अजीत उराव देवाकी से बालू उठाकर पेरवा पाट के लिए शाम में निकला था, लेकिन वो पेरवा पाट के रास्ते ना आकर सलगी की ओर चला गया। देर रात वो पेरवा पाट नहीं पहुंचा तो सुबह ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना मिली। मृतक के शरीर पर कहीं ट्रैक्टर के चढ़े होने के निशान नहीं है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि उसकी मौत ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुई है। हालांकि पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज चुकी है। वहीं पुलिस ने बताया कि एक बिजली का पोल भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वो बिजली के पोल से टकरा गया होगा और अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया होगा और उसकी जान चली गई होगी। हालांकि पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। ट्रैक्टर मालिक का नाम है शिवनंदन उरा, गांव का है, चला रहा था, इधर रहता था। और घटना के बारे में तो हम लोग को तो कोई ऐसा जानकारी नहीं है। गाड़ी इसका चला रहा था, 2 महीना लगभग हुए जा रहा। अरे ट्रैक्टर मालिक कहाँ का है? अपना गांव का है। कौन गांव? पेरवा पाट। जीएन भारत के लिए गुमला घाघरा से पंकज कुमार की रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।